पानीपत वन विभाग द्वारा HSIDC परिसर में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए ग्रामीण विधायक माहीपाल डांडा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति से हमें जितना लेते हैं, हमें चाहिए कि हम प्रकृति को दुगुना करके दें। आज जिस प्रकार वनों का कटाव हो रहा है, हमें इसके लिए संगठित होकर पर्यावरण को बचाना होगा। पेड़ लगाने से ही काम नहीं चलना, इसका पोषण करना बहुत जरूरी है। हमें अपने शरीर से ज़्यादा पेड़ पौधों की देखभाल करनी होगी, तभी पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। पेड़ अगर ज़्यादा लगेंगे तो उससे आदमी और मानव को जो श्वास लेना है उसको एक शुद्ध हवा मिलेगी, और जिस मानव को शुद्ध हवा मिले उसका तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और जिसका कहते हैं जिसका शरीर तंदुरुस्त है उसको तो और दूसरी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे आसपास में कई पेड़ पौधों की कमी है, कई पेड़ पौधे हैं नहीं। हमारे यहाँ पर रिफाइनरी के कारण, NFL के कारण, थर्मल पावर प्लांट के कारण बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है, और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है कि हम लोग लाखों पेड़ यहाँ पे लगाएं, और हर पेड़ को हम लोग कैसे तंदुरुस्त रखें, कैसे उसको बचा सकें, इसकी एक व्यापक योजना बना रहे हैं। डिपार्टमेंट के लोगों से भी मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना पूरा रिकॉर्ड रखिए, और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग सब जाएँ और उसकी कोई योजना बनाए, एक व्यापक योजना कि हमारा जो पेड़ लगा था वो सुरक्षित है कि नहीं है। पानीपत से अजा TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन रितेश कुमार के साथ सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।